हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्लास इसके पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो होता है इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो यदि आप डायरेक्ट इसको इसका जो डायरेक्ट आप इसको यदि यूज करोगे सेमीकंडक्टर सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए, तो उतना यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जो होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम डोपेंट बोलते हैं। तो डोपिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर टू इनहेंस और टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या है, डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। हम तो क्या लिखेंगे, इट इज द क्या होगा, प्रोसेस इन विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी एड सम इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। एंड द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इम्प्योरिटी एडेड। क्या होगा, इम्प्योरिटी एडेड इज कॉल्ड डोपेंट्स। ठीक है, डोपेंट्स, समझ में आया ना, जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बाय डोपिंग, या हम लिख सकते हैं बाय क्या होगा, बाय डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज नियरली 10^5 times। क्या करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी जो होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 10^5 times क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, 10^5 times क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब डोपेंट जो होता है, डोपेंट के लिए क्या होना चाहिए, डोपेंट मतलब डोपेंट का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। देखो, मुझे क्या करना है, प्योर सेमीकंडक्टर से क्या करना है, एक जैसे मान लो कि जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जब हम डोपेंट क्या करेंगे, ऐड करना है, तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है कि डोपेंट का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नियरली क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द क्या होना चाहिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तभी क्या होगा कि आप सिलिकॉन को वहां से, एक सिलिकॉन एटम को यदि क्रिस्टल से हटाओगे और वहां डोपेंट को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वाइल्ड डोपिंग। ठीक है, तो डोपेंट क्या होना चाहिए यहां, और जो डोपिंग इज इम्प्योरिटी इज नियरली क्या होगा, इम्प्योरिटी एडेड में भी क्या होगा, या हम लिख सकते हैं
इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी एडेड एडेड मे बी क्या होना चाहिए मे बी वन पार्ट वन ppm वन पार्ट पर मिलियन क्या होता है वन पार्ट पर मिलियन ठीक है अभी होना चाहिए डोपेंट का क्या होना चाहिए डोपेंट यहां एक चीज ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग डोपिंग डोपेंट द क्या होना चाहिए द साइज ऑफ डोपेंट डोपेंट्स शुड बी क्या होना चाहिए नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ क्या होना चाहिए साइज ऑफ सिलिकन नियरली इक्वल टू द क्या होना चाहिए साइज ऑफ सिलिकन और क्या होना चाहिए जर्मेनियम जर्मेनियम ठीक है सिलिकन और जर्मेनियम के क्या होना चाहिए साइज के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तभी क्या होगा जो तभी क्या होगा कि डोपेंट क्रिस्टल जो होगा वो क्या होगा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा क्या होगा क्रिस्टल जो होगा वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा इसलिए क्या होना चाहिए कि डोपेंट का साइज जो होना चाहिए कि नियरली सिलिकन और जर्मेनियम एटम के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ठीक है इसलिए जो डोपेंट्स होते हैं डोपेंट्स दो तरह के होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा देयर आर क्या होगा टू टाइप्स ऑफ क्या होगा डोपेंट्स डोपेंट्स के दो टाइप होते हैं एक को क्या बोलते हैं ट्राइवेलेंट क्या बोलेंगे ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट और इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट आई मीन जिनकी वैलेंसी क्या होगी थ्री होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइवेलेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे ट्राइवेलेंट और क्या बोलेंगे एक्सेप्टर इंप्यूरिटी और इंप्यूरिटी और क्या होगा डोपेंट ठीक है तो ट्राइवेलेंट में क्या हो जाएगा एल्युमिनियम बोरॉन क्या हो जाएगा गैलियम क्या होगा जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या लिखोगे एल्युमिनियम गैलियम बोरॉन इंडियम ठीक है इंडियम इनकी वैलेंसी क्या होगी ट्राई होगी है ना ट्राई होगी इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं ठीक है दूसरा जो होगा आई मीन 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम डोप करेंगे तो क्या मिलेगा क्या होगा कि ओरिजिनल जो क्रिस्टल का साइज है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा ठीक है दूसरा जो है पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट क्या होगा इंप्यूरिटी आई मीन जिनकी वैलेंसी क्या होगी फाइव होगी उसको हम क्या बोलते हैं पेंटावेलेंट बोलते हैं जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या लोगे एग्जांपल जो है इसको क्या बोलते हैं ट्राई पेंटावेलेंट और डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटी क्योंकि ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा ठीक है तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी और डोनर इंप्यूरिटी जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा फास्फोरस ठीक है आर्सेनिक एंटीमोनी है ना एएस आर्सेनिक एंटीमोनी ठीक है ईटीसी ठीक है तो दो तरह के डोपेंट्स होंगे क्या हो गए ट्राइवेलेंट और ट्राइवेलेंट और क्या होगा पेंटावेलेंट इनका जो साइज होता है नियरली सिलिकॉन जर्मेनियम के साइज से क्या होता है इक्वल होता है इसलिए जब इनको डोप करोगे तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा डिस्टॉर्ट नहीं होगा डिस्टर्ब नहीं होगा ठीक है अब क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्या होगा डोपेंट यूज्ड देयर आर टू टाइप ऑफ क्या होगा अब देखो जो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा सॉरी एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर
ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। द सेमी कंडक्टर, द क्या होगा, सेमी कंडक्टर ऑप्टेंड बाई क्या होगा, ऑप्टेंड बाई एडिंग इंप्यूरिटी इन प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। समझ में आया ना, तो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, डिपेंडिंग ऑन द डोपेंट यूज। दो तरह का क्या होगा, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर और क्या होगा, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। क्या होगा, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप। तो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होगा सेमी कंडक्टर, दो तरह का होगा, एक को हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो डोपेंट होगा यूज वो क्या होगा, पेंटावेलेंट। तो डोपेंट्स क्या होगा, डोपेंट, और डोपेंट्स आर क्या होगा, आर पेंटावेलेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, फॉस्फोरस अर्सेनिक क्या होगा, एंटीमोनी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो डोपेंट होगा, डोपेंट्स आर क्या होगा, ट्राई वैलेंट। इसमें क्या होगा, ट्राई वैलेंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल्युमिनियम, गैलियम, बोरॉन, इंडियम। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए क्या होगा, एल्युमिनियम, गैलियम क्या होगा, बोरॉन और क्या होगा, इंडियम। तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो होता है या इम्प्योर सेमी कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप और क्या होगा, पी टाइप। अब एन टाइप में क्या होता है, इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होगा, क्यों बढ़ेगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, एन टाइप ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे क्या होगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि यहां क्या है, मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन देखो कुछ ऐसे है, सिलिकॉन ठीक है, समझ में आया, ये क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन वो मार्कर, अब देखो यहां क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, यहां देखो ध्यान से, एक हमने क्या किया, फास्फोरस यूज कर लिया, यहां क्या यूज किया, पी। तो पी के आउटर मोस्ट में क्या होगा, देखो ये जो पी होगा ये क्या करेगा, ठीक है, यहां भी हमने क्या किया, एक पी यूज कर लिया। ठीक है, पी यूज कर लिया, यहां नहीं, यहां सिलिकॉन ही रहने दो। ठीक है, तो यहां देखो, यहां
ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक और हमने क्या किया, फास्फोरस यूज कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, एक हमने सिलिकन लिया, देखना है यहाँ हमने क्या किया, सिलिकन। ठीक है, यहाँ सिलिकन, अभी क्या है, सिलिकन हमने यूज किया। अब देखो क्या है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो डॉट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ भी आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये डॉट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी वैलेंसी कितनी है, पेंटावैलेंट। तो ये क्या करे, देखो फास्फोरस का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो सिलिकॉन के साथ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करो, जितने नंबर ऑफ फास्फोरस एटम आप ऐड करोगे, उतने ही क्या हो जाएगा, जो क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाउंडेड नहीं है, ये फ्री है। तो इनकी इसलिए क्या होगा कि देखो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे आप मिलेगा अपने को, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एन टाइप, एन टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड, ऑब्टेंड बाय एडिंग, एडिंग पेंटा, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ठीक है, समझ में आया ना। दूसरा क्या होगा, देखो ध्यान से कि इसको हम, अब पेंटावेलेंट को क्या बोलते हैं, डोनर, डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं। डोनर क्या बोलते हैं कि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई पेंटावेलेंट एलिमेंट। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस का सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बच जा रहा है। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसको पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोनर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि मेजोरिटी क्या होगा, अब तुम बोलोगे सर होल कैसे जनरेट होगा इसमें, है ना। तो होल कैसे जनरेट होगा यार, थर्मली जनरेटेड, है ना। मैंने ये बताया था कि क्या होगा, मान लो कि ये क्या है, ये जनरली क्या है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ क्या हुआ, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी जो होगा वो क्या होगा, मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर्स आर क्या होगा, आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर क्या होगा, होल। ठीक है, क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल होगा। समझ में आया ना। तो यहाँ क्या होगा, यदि ND नंबर ऑफ क्या होगा, अब एक टर्म समझ में आया ना, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आई मीन करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट विल फ्लो ड्यू टू क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्या होगा,
ठीक है। अब देखो यहां लिख सकते हैं कि यहां एक चीज और लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, Ne। देखो Ne को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, NH। NH ठीक है। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम, दिस इज क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम। तो Ne इज इक्वल टू क्या, Ne इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, NH। क्या होगा, Ne इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, NH होगा। अब आपसे पूछा जाएगी कंडक्टिविटी जो होगी, देखो ध्यान से समझ में आया है, तो और भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। तो जनरली सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होगी, देखो अब यहां मैं कंडक्टिविटी भी बता देता हूं तुमको। कंडक्टिविटी पहले हम करंट लिखेंगे, करंट इज क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज क्या होगा, होल्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, IH प्लस क्या होगा, आई, ठीक है। लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, NH जो है क्या है, वो क्या है, बहुत ज्यादा। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, और भी चीजें हम बता लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि आई इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, IE। क्यों, क्योंकि होल का जो पॉपुलेशन है वो क्या है कम है, समझ में आया ना, होल का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। उसके बाद n टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। n टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा, n टाइप सेमीकंडक्टर इज क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब कंडक्टिविटी की बात करें, और भी हम पॉइंट लिख लेते हैं, बस एक लिखेंगे उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट लिखते जाएंगे, ठीक है, कि कंडक्टिविटी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, जो भी एन टाइप पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद हम कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एन प्लस क्या होगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा एन प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा एच। अब कैसे लिखोगे कंडक्टिविटी आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ। हम यहाँ ये लिख सकते हैं, देखो ये मुझे लिखना है, देखो कंडक्टिविटी हम कैसे लिखेंगे, पहले हम आते हैं कि करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या होगा, जे एच प्लस क्या होगा, जे, ये क्या हुआ, नेट करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है, क्या हुआ, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, ठीक है। अब करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं, करंट डेंसिटी जो होगा ये क्या हो जाएगा, देखो तो दिस इज क्या होगा, देखो मैंने क्या इसको इक्वेशन वन लिख लो, याद आया, देखो मैंने पढ़ाया था कंडक्टर के लिए क्या पढ़ा था, जे इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही लिखते हैं क्या, जे इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वी डी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, समझ में आया ना, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, हम आते हैं जनरल रिजल्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जे इक्वल टू क्या होगा, NEVT। एक और एक टर्म बताया था मैंने कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, देखो अब क्या होता है,
जे इज इक्वल टू आप देखोगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। और हम जानते हैं कि ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोबिलिटी इंटू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है क्या मोबिलिटी इंटू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ से लिख सकते हो जे इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा, ठीक है, ई के जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी ई के जगह क्या लिख सकते हो वी डी अपॉन क्या होगा, समझ में आया। अब यहाँ से जस्ट मैं एक कंडक्टर में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ फॉर कंडक्टर, ठीक है फॉर कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ वैल्यू रख दो, क्या रखोगे वी डी का, देखो यहाँ से वैल्यू रख दो तो जे तुमको क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा, समझ में आया ना, यहाँ से क्या हो जाएगा जे, यहाँ वैल्यू रख दो तो देखो जे क्या मिल रहा है। नाउ समझ में आया ना, इसको हमने क्या लिखा इक्वेशन टू और इसको इक्वेशन थ्री लिख लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड क्या होगा थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड से लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो सिग्मा वी डी अपॉन क्या होगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी पॉइंट बताया था सिग्मा वी डी अपॉन क्या हो जाएगा मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा एन ई वी डी, वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको हम सिग्मा ई लिख दें, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा एन ई न्यू, ये किसके लिए है, फॉर क्या होगा फॉर कंडक्टर, याद आया ना फॉर कंडक्टर। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है, देखो फॉर सेमी कंडक्टर जनरली मैं यहां लिख देता हूं, फॉर क्या होगा फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होगा सिग्मा एससी लिख देता हूं यहां, सेमी कंडक्टर क्या होगा, देखो एन क्या है नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या लिख सकते हैं एन ई, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू क्या होगा ई इंटू क्या होगा म्यू इंटू ई, मोबिलिटी ऑफ क्या होगा दिस इज क्या होगा मोबिलिटी, और बताया भी था कि मोबिलिटी कंडक्टर के केस में क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है ई टाउ अपॉन क्या होता है एम, टाउ क्या होता है कोलिजन मीन टाइम, ठीक है। तो प्लस क्या होगा, प्लस क्या लिखोगे एन एन एच इंटू क्या होगा म्यू एच, ये याद रखना है, और इंटू ई क्योंकि होल पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं सिग्मा एस सी सेमी कंडक्टर, ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा ई इंटू क्या हो जाएगा एनी म्यू ई प्लस क्या हो जाएगा एन एच म्यू एच, समझ में आया ना क्या हुआ एनी म्यू, एनी क्या है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, सॉरी एनी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच क्या है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात समझ में आया। तो जनरली क्या है सेमी कंडक्टर आई मीन सेमी कंडक्टर क्या हो जाएगा ई इंटू क्या होगा एन ई, ठीक है म्यू ई प्लस क्या होगा एन एच म्यू एच, ठीक है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको माइंड में क्या है रखना चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल कभी पूछा जाएगा तो इसे पूछा जाएगा। तो ये क्या होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, दिस इज क्या होगा मोबिलिटी ऑफ क्या होगा मोबिलिटी ऑफ होल सॉरी इलेक्ट्रॉन, और दिस इज क्या हुआ मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ क्या होगा होल, ठीक है। और एन ई क्या है एन ई इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। अब क्या होगा यहां से तुम लिख सकते हो क्या होगा कि फॉर क्या होगा फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज मच बट ग्रेटर देन क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो सिग्मा सिग्मा एन टाइप मैं लिख देता हूं एन टाइप के लिए नियरली क्या होता है नियरली कंडक्टिविटी जो होती है सिग्मा एन ई इंटू क्या होगा एन एच,
समझ में आया क्या? तो ये याद रखना है। अब उसके बाद एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक टर्म और लिख लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन। ये यहां क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो और क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? एट गिवन टेम्परेचर क्या होगा? एट गिवन टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ एट गिवन टेम्परेचर क्या होगा? एट गिवन टेम्परेचर एन ई इंटू क्या होगा? एन एच इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई स्क्वायर। एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है? एनी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन एच क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्या है? एन आई क्या है? इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा फॉर एन टाइप? फॉर एन टाइप क्या होगा? नियरली एन ई इज नियरली इक्वल टू क्या होता है? एन डी, ठीक है? एन ई इज नियरली क्या है? डोनर एटम। क्या होता है? डोनर एटम के क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है? समझ में आया ना? ये क्या है? एन डी क्या है? डोनर इंप्यूरिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एन एच इज इक्वल टू क्या होगा? एन आई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एन डी। और ये जो होता है एन आई जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फेना होता है। क्या बताया है कि फॉर प्योर सेमीकंडक्टर एन एच एन ई इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई होता है, ठीक है? तो इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या था? होल इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये तुमको क्या करना है? याद रखना। अब हम आते हैं क्या है? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? इट इज क्या होगा? ऑब्टेंड बाई डोपिंग। हाँ, इसमें एक और पूछा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम यार पूछा जाएगा, मैं अभी भूल रहा था। एनर्जी लेवल, ठीक है? तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करोगे। अब देखो क्या होगा इसमें, ये तुम्हारा क्या है कि बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड, ठीक है? और ए ई भी है, और ये तुम्हारा क्या है? कंडक्शन बैंड है। ये तुम्हारा बैलेंस बैंड है, ठीक है? और दिस इज क्या हुआ? कंडक्शन बैंड, ए ई सी, ठीक है? यहाँ क्या होगा? जो डोनर इंप्यूरिटी लेवल होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। कहाँ? इसको डोनर इंप्यूरिटी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर इंप्यूरिटी लेवल। आई मीन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां से जंप कर जाता है? यहां से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ? कंडक्शन बैंड, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यहां से जंप किया है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये जंप किया। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप।
इसी को क्या बोलते हैं? तो एनर्जी लेवल फॉर क्या होगा? फॉर क्या होगा? फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो ये डोनर लेवल जो होता है वो क्या होता है? तो इससे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बढ़ गई ना इसकी। उसके बाद अगला जो टाइप है वो मैं बता देता हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इट इज क्या होगा? इट इज ऑब्टेंड बाई क्या होगा? बाई डोपिंग विथ क्या होगा? विथ ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमी कंडक्टर। ठीक है, इट इज ऑब्टेंड बाई डोपिंग विथ ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमी कंडक्टर। अब ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी क्या है? बोरॉन है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ सिलिकन कंसीडर कर लिया, सिलिकन। ठीक है, यहाँ भी क्या है? सिलिकन। यहाँ एक बोरॉन यूज कर दिया, यहाँ क्या है? सिलिकन है। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया? एक सिलिकन। ठीक है, सिलिकन, समझ में आया? यहां हमने क्या किया? एक बोरॉन हमने यूज किया। ये क्या है? देखो यहां से, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, 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 हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी है यार? 3 है। तो ये क्या करेगा? 3 से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां जो एक क्या हो जाएगा? होल आपका क्या हो जाएगा? बचा रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? अरे इसकी वैलेंसी कितनी है? ट्राई है ना, तो 3 से क्या होगा? बॉन्ड बना लेगा। देखो 1, 2 और 3 और एक क्या हो जाएगा? यहां मैग्नेट रह जाएगा। ठीक है, तो इससे इसलिए क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? पी टाइप बोलते हैं। इसमें एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी होता है। क्या होता है? ट्राईवेलेंट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या होगा? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। समझ में आया ना? तो यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो यार, है ना, हमने यहाँ नहीं दिखाया है। तो दिस इज क्या होगा? इसमें क्या होगा? मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? अब बोलते जाओ यार, मेजोरिटी चार्ज। हाँ, एक हमेशा याद रखना है, थर्मली जनरेटेड क्या होगा? एक यहाँ दिखा दो, क्या होगा? थर्मली जनरेटेड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो व्हाट इट इज ऑब्टेंड बाय डोपिंग क्या होगा? विथ ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज क्या होगा? कैरियर इज क्या है? होल होल्स व्हाइल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा अगेन क्या होगा? समझ में आना, इसका मतलब क्या होगा कि NH इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा? NE। समझ में आना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉलर देन क्या होगा? नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां दूसरा क्या होगा? करंट इज क्या होगा? ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू होल
एज वेल एज क्या होगा एज वेल एज क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहाँ लिखें आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई ई प्लस क्या लिखेंगे आई एच. समझ में आया ना. या लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं इज नियरली क्या होगा इक्वल टू क्या होगा आई एच. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या है बहुत ही कम है. उसके बाद हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें. देखो और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो होगी अगेन क्या होगी कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा देखो ई ठीक है ई एन एच. हाँ पहले ही लिख लें क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्या होगा लॉ ऑफ मास एक्शन. अकॉर्डिंग टू क्या होगा लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है एन ई इंटू क्या होगा एन एच इज इक्वल टू क्या होगा एन आई एस. और ये भी याद रखना है कि यहाँ एन एच जो होगा वो क्या होगा एन एच इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू क्या होता है एन ए. एन ए को क्या बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी. तो हम लिख सकते हैं कि एन ई इज नियरली इक्वल टू क्या होगा एन आई स्क्वायर अपॉन क्या होगा एन ए. एन आई क्या होगा इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेटर. दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. समझ में आया ना. आई मीन माइनॉरिटी चार्ज आई मीन थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं उसकी वजह से होता है. तो ये क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. उसके बाद आप लिख सकते हो कि सिग्मा जो होगा वो क्या होगा सिग्मा पी टाइप के लिए क्या लिखोगे. देखो तो ई इंटू क्या लिखोगे एन एच नियरली क्या होगा ई इज इक्वल टू क्या होगा एन एच इंटू क्या हो जाएगा मी एच ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा. उसके बाद एनर्जी डायग्राम यदि आप ड्रॉ करोगे क्या होगा एनर्जी डायग्राम. एनर्जी लेवल देखो क्या होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ दिस इज ईसी दिस इज क्या होगा ईवी और ये तुम्हारा क्या हुआ वैलेंस बैंड दिस इज क्या हुआ कंडक्शन बैंड ठीक है. तो यहाँ क्या होगा एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी थोड़ा क्या होगा कंडक्शन बैंड आई मीन ईवी से क्या होता है ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं. इम्प्यूरिटी क्या बोलते हैं हम इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं ठीक है. तो यहाँ क्या होगा देखो एक तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार समझ में आया ना. अब क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से क्या होंगे यहाँ आ गए तो यहाँ क्या हो गया होल तुम्हारा क्या हो गया क्रिएट हो गया ठीक है. क्या हो जाएगा होल क्रिएट हो जाएगा ठीक है. यहाँ भी देखो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा होल तुम्हारा क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा. और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट क्या करेगा यहाँ जम कर जाएगा यहाँ से क्या होगा डायरेक्ट यहाँ जम कर जाएगा तो यहाँ होल क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा ठीक है. तो दिस इज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी जो होता है वो क्या होता है जस्ट अबव क्या होता है वैलेंस बैंड होता है. क्या होता है जस्ट अबव द क्या होता है वैलेंस बैंड होता है ठीक है. इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पीएन जंक्शन डायोड जो है आई मीन डायरेक्टली एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम यूज नहीं करते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को कंबाइन करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं. तो उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके थैंक यू.